That's it. Immortal career grenade. Two finish points like उनके नाम. Exo versus Godlike versus none other than Marcos Ghostly, जिनको भी Exo Sensei confirm करते हैं. जैसे कि मैं कह रहा था, Godlike versus Exo, Four versus Four. ये मिरामार का मैप दर्शाने वाला है. कौन बनेगा इस मैच में मिरामार का बादशाह? यहां से दोनों ही टीमों के पास सर्कल का हिस्सा हमें देखने को मिल जाएगा, बट अब बारी आ चुकी है आठवें सर्कल की. अब आठवां सर्कल किस टीम को फेवर करने वाला है? सेंसे के पास हमें हेलमेट देखने को नहीं मिल रहा, तो सेंसे को पीक नहीं करना है, यहां से ज्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है, वरना कुछ बुलेट से कनेक्शन और उन्हें टेक डाउन किया जा सकता है. बट जी गॉड नॉक कर दिए गए हैं सेंसे के द्वारा. इस तरीके की ओपनिंग वो भी इस 4v4 फाइट के अंदर प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए. बट समय है यहां से टीम Godlike के पास अपने 9 खिलाड़ियों को रिवाइव देने का. बट इमॉर्टल वो रुकना नहीं चाह रहे, वो लगातार ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक टू बैक ग्रेनेड्स स्पैम किए जा रहे हैं. क्या वो ओपनिंग निकल पाएगी? मिल चुकी है ओपनिंग, जी गॉड हो चुके हैं नॉकआउट. एक और ग्रेनेड आएगा इमॉर्टल की तरफ से. नीड परेड का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं 100 की टीम, बट क्लच गॉड अभी तक अपना पोजीशन रिवील नहीं किया है. रूफटॉप पे इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही मौका मिलेगा आगे बढ़ने का. जॉनथन आगे आते हैं, ट्रेन निकाला गया पीएस के द्वारा. क्लच गॉड को भी नॉकआउट किया गया. Godlike अपने नाक के नीचे से मैच कमाए थे, बहुत ज्यादा क्लोज. इमॉर्टल आगे आते हैं, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा. इट्स डाउन टू अ 2v2. जी गॉड अकेले बचे हुए, नियो केएचपी बहुत लोड रहने वाली है. इट्स डाउन टू अ 1v1. हैकर एंड फियर सामने आते हैं जरूर, एंड इट्स गोइंग टू बी अ 2v2 वंस अगेन. बट लुक्स लाइक Exo जो लेके जा चुके इस मैच का चिकन डिनर, जरूर देखना चाहूंगा मैं. यस इट इज Exo जो इस मैच पे जीत के आगे बढ़ती है. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच बाय Godlike एज़ वेल.